दोस्तों, जब आप इस डिवाइस को ऑर्डर करेंगे तो आपको इसके साथ में एक हैंडसेट मिलेगा, एक पावर सप्लाई मिलेगी और ये आउटडोर सिस्टम मिलेगा। इस आउटडोर सिस्टम में आपको एक ये बैक कवर मिलेगा जो कि दीवार के अंदर लगाना है। उसके बाद यहाँ से कनेक्टर निकलने हैं जिसके कनेक्शन आपको अभी आने वाली वीडियो में दिखेगा पूरा। तो वीडियो को पूरा देखें, कट ना करें। ये हैंडसेट है, इसके पीछे भी कनेक्शन लिखे हुए हैं, उसी प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं। ये इसकी पावर सप्लाई है, माइनस प्लस बाकी इसके कनेक्शन। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरे कनेक्शन आपको डायग्राम के साथ में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब इसकी वायरिंग करना, इसकी वायरिंग कैसे होगी। दोस्तों, ये है इसका इंडोर। इसके इंडोर में 2, 4, 6 वायर निकलेगी। L1, L2, ग्राउंड, LK1, LK2 और BS। BS को आपको खाली छोड़ना है। वायर यहाँ से निकलेगी, इस टाइप का एक कनेक्टर लगेगा इसमें। यह है इसका आउटडोर, यह है इसका आउटडोर जिसमें कि आप 4 फ्लोर तक इसे लगा सकते हैं। इसमें एक वाला भी आता है, दो वाला भी और तीन वाला भी और चार वाला भी। फिलहाल मैं इस समय 4 वाला दिखा रहा हूँ, यानी कि 4 फ्लोर तक ये काम करेगा। इसमें भी पीछे कनेक्टर दिए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है L1, L2 प्लस VCC माइनस ग्राउंड, और दूसरी तरफ इस कनेक्टर के लिए CA ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यानी कि ये स्विच। तो आइए अब इसके कनेक्शन करते हैं, देखते हैं कनेक्शन कैसे होंगे। और ये इसकी पावर सप्लाई है। इन सभी सामान को ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और अगर मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये पावर सप्लाई जिस पर लिखा है माइनस प्लस HL CA LK और 1, माइनस सॉरी प्लस माइनस HL CA LK 1, मतलब ये इस तरह से कनेक्शन है। प्लस यहाँ से निकलेगा पहले पॉइंट से, माइनस यहाँ से, उसके बाद HL की वायर यहाँ से, CA की वायर यहाँ से और यहाँ से लॉक की वायर। तो फटाफट कनेक्शन करते हैं, टाइम ख़राब ना करें, और ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। ये है आपका इंडोर जिसमें L1, L2, ग्राउंड, BS, LK1, LK2। LK1 और LK2 मतलब कि ये आपका लॉक है। कई घरों में एक तो मेन पार्किंग में लॉक लगा होता है और एक मेन गेट पे लगा होता है। तो अगर सिर्फ एक गेट पे लॉक लगा है तो LK1 यानी लॉक 1, अगर दोनों गेटों पे अलग अलग लॉक लगा है तो LK2। आप जिस फ्लोर का बटन दबाएंगे LK1 LK2, अगर इसको दबाते हैं तो एक लॉक खुलेगा, इसको दबाते हैं तो दूसरा खुलेगा, दोनों को दबा दोगे तो दोनों लॉक खुल जाएंगे। इस सिस्टम में 2 लॉक की सुविधा है। ये हो गया इंडोर, ये हो गया आउटडोर। आउटडोर में है आपका 2 कनेक्टर, एक 4 पिन का और एक 5 पिन का। पहले वाला है L1, दूसरे वाला है L2, तीसरा है प्लस पॉजिटिव वोल्ट, चौथा है माइनस यानी कि ग्राउंड। दूसरा कनेक्टर जो है उसमें 5 पिन है, यानी 5 वायर निकलेगी। पहला है CA, दूसरा है ग्राउंड फ्लोर का बेल का स्विच, तीसरा है फर्स्ट फ्लोर का, चौथा है सेकंड फ्लोर का और 5वां है थर्ड फ्लोर का, यानी कि ये 4 मंजिल तक काम करेगा। 4 मंजिल के लिए बनाया हुआ डिवाइस। आप वो आपकी मर्ज़ी है, आप एक में लगाना चाहते हैं
तो एक से हैंडसेट लगेगा, चार में लगाना चाहते हैं तो चार अलग अलग हैंडसेट लगेंगे हर फ्लोर पे। सब कुछ सेम रहेगा, आउटडोर सेम रहेगा, पावर सप्लाई सेम रहेगी, बस इंडोर जो है ये चार लगेंगे अलग अलग फ्लोर के लिए। और ये है आपकी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में भी छः पॉइंट है। पहला प्लस माइनस, दूसरा HL और CA, तीसरा LK1। ये वायर दोनों सीधा आपके सेंटर लॉक में जाएगी, सेंटर लॉक बोले तो इन सभी सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या मुझसे खरीद सकते हैं डायरेक्ट। ये दो वायर यहाँ पे लगेगी LK1 पर, जैसे ही हम इन बटनों को दबाएंगे तो ये लॉक खुलेगा। तो शुरू करते हैं कनेक्शन। ये बता दिया आपको पावर सप्लाई से जो सबसे लास्ट के दो पॉइंट है LK और 1, ये लॉक पर जाएगा जो कि ये रहा LOCK लॉक। इंडोर से आउटडोर पर L1 से L1 पर डायरेक्ट वायर जुड़ेगी, L2 से L2 पर डायरेक्ट वायर जुड़ेगी। ग्राउंड सबका कॉमन रहेगा, यानी कि पावर सप्लाई का और आउटडोर का और इंडोर का ग्राउंड कॉमन रहेगा। तीसरा है BS, ये लगेगा आपका ग्राउंड फ्लोर के स्विच पर, यानी कि इस बटन को दबाएंगे तो BS पर सप्लाई जाएगी और ये आपके इस सिस्टम पर रिंगटोन बजाएगा, तो आप इसे उठाएंगे और आपस में बात कर सकते हैं अंदर से बाहर और लॉक भी खोल सकते हैं। LK1 से HL1 पर वायर जाएगी, ये हैं इसके पूरे कनेक्शन। इसमें ये खाली रहेगा, अगर आपको दो लॉक लगाने हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दें। ये है पूरा कनेक्शन, प्रैक्टिकल आप देख ही चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, एक बार दोबारा देख लीजिए, यही प्रैक्टिकल है जो आपको अब दिखेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ में ना आया हो, कोई आपका डाउट हो या आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रूर। धन्यवाद। दोस्तों ये है इसका पूरा सिस्टम, आपको लेफ्ट साइड में इंडोर दिख रहा है, राइट साइड पे आउटडोर, बीच में लॉक और वो पावर सप्लाई। अभी फ़िलहाल मैंने नॉर्मल वायरिंग करी है, मतलब नॉर्मल जो घर में तार यूज़ होती है वायरिंग के लिए वो तार इस्तेमाल करी है। लेकिन आपको अगर इसे अपने घर में लगाना है या किसी पार्टी के घर पे लगाना है तो आपको कैमरे वाली वायर चाहिए होगी, 6+1, ये वाली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस समय। ये काम कुछ इस तरह से करता है, जब भी कोई इन आउटडोर के बटन को दबाएगा तो इंडोर पर बेल बजेगी, बेल बजने के बाद अब इंडोर वाला इंसान इस फ़ोन को उठाएगा,
बोल। हेलो हेलो, ये जो आप, ये जो आपको आवाज आ रही है ये आउटडोर पर आ रही है। हेलो हेलो, कुछ कौन? हेलो कौन? मैडम लॉक चेक करना है, दरवाजा खोल दो। ओके। इस तरह से आप अपने घर के डोर लॉक को इंटरकॉम की सहायता से खुद लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वायरिंग डायग्राम, कहां से ये आपको सामान मिलेगा, पूरी डिटेल वीडियो में ही दी हुई है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस सामान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है और ऑफलाइन यानी मेरे से ख़रीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब देखते हैं इसकी पूरी वायरिंग मैंने कैसे करी है। आइए दोस्तों, ये इसमें वायर यूज़ होगी 5+1 यानी 6 कोर की। ये इसका इंडोर है। हेलो, वेलकम टू टूर किंग। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ठोकना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये इंडोर से वायर ली हुई है जो कि 6 वायर हैं। जैसे कैमरे की वायर के अंदर होता है उसी तरह ये 6 वायर आउटडोर में जाएगी और आउटडोर से ही होते हुए पावर सप्लाई पर जाएगी। ये लॉक की वायर पावर सप्लाई पर जाएगी। हेलो, इंडोर पावर सप्लाई और आउटडोर, ये रहा लॉक। खुलेगा कैसे? यहाँ पर 2 बटन दिए हुए हैं, लॉक 1 और लॉक 2। अगर आपके घर में एक ही लॉक है तो 1 पे कनेक्शन देना है, 2 हैं तो 2 पे दे सकते हो। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो वो आपका मेन डोर का लॉक खुल जाएगा। ये लॉक खुल चुका है। डोर लॉक के साथ आपको 5 कंप्यूटराइज्ड चाबी मिलेगी जो कि कंप्यूटर से बनी हुई है। एक ये सिस्टम आउटडोर पावर सप्लाई और इंडोर सिस्टम।